तो स्वीट एंड स्पाइसी पूरी भाजी नॉर्थ इंडिया और कर्नाटका में ब्रेकफास्ट में खाई जाती है और दोनों जगह पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो पूरी भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम पूरी का आटा गूंद लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा, 1/3 कप सूजी और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अपने हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून जितना ऑयल और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे आटा गूंदने के लिए गुनगुना पानी यूज करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहेंगे और पूरी का आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे जो आटा है उसे हमें टाइट रखना है। देखिए इस तरीके से आटे को अच्छे से मथ लेंगे और हमारा जो आटा है वो रेडी है। उसे हमें 30 मिनट्स के लिए रेस्ट कराना है, तब तक हम भाजी बना लेते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल है उसे मीडियम आंच पे गरम कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे मस्टर्ड सीड्स और साथ ही साथ ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून जितनी उड़द दाल और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जितनी चना दाल। इन्हें हमें लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए चला लेना है, जब तक कि हमारी दोनों दालें लाइट ब्राउन कलर की ना हो जाए। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जितना जीरा और साथ ही साथ करी लीव्स, इन्हें भी हम थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून जितनी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, उसे भी हम थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, उसे हम करीबन 20 सेकंड के लिए चला लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1/4 कप बारीक कटे हुए टमाटर। इन्हें हमें लो टू मीडियम हीट पे पका लेना है। देखिए हमारे जो टमाटर है अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जितना गरम मसाला, साथ ही साथ 1 टीस्पून जितना आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्यू सेकेंड्स के लिए इसे पकने देंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉईल किया हुआ आलू, जिसे मैंने पहले से ही बॉईल करके क्यूब करके रखे हुए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीबन 1 मिनट तक इन्हें मीडियम आंच पे चलाते हुए पका लेंगे। तो हमारी भाजी रेडी है। अब इसमें धनिया ऐड कर देंगे। अब हम पूरी फ्राई करने के लिए ऑयल चढ़ा देंगे और जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है हम पूरी बेल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम पूरी को बेल लेंगे। यहाँ पे जो हम पूरी बेलेंगे उसे हम बहुत पतली भी नहीं रखेंगे और मोटी भी नहीं रखेंगे, इसे इस तरीके से हमें बेलनी है। तो अब हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो चुका है, हम हमारी पूरी को फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई हीट पे हम पूरी को फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे लाइटली प्रेस करते हुए फ्राई करेंगे। पूरी को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें पूरी को फ्राई कर लेना है। पूरी भाजी की जो भाजी है उसे आप ड्राई भी बना सकते हैं या फिर आप करी की तरह भी बना सकते हैं। इसे हम टमाटर या फिर ककड़ी या फिर आप पिकल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।